रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। पूर्व सांसद राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने आज अपने एक फेसबुक पोस्ट पर कमेंट में जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि वह मेरे नहीं बल्कि राजद के नेता हैं। कुछ राजनेता बुद्धिजीवी और नौजवान कहते हैं, मैं तो जात पात नहीं मानता। ऐसा कहने वाले अक्सर जनेऊ धारण करते हैं, अपनी जाति में शादी करते हैं और उसी जाति की संतान पैदा करते हैं। उनका खान पान, मेल मिलाप, गपशप अपनी या नज़दीक की जातियों के साथ ही होता है। अगर हम जाति में पैदा होते हैं और जाति के संतान पैदा कर रहे हैं तो जाति के साथ ही सुख दुख मनाते हैं, तो उस अनुपात में हम जाति के बंधन में बंधे हुए हैं। यह दावा करना बड़ा कठिन है कि मैं पूरी तरह से जात को छोड़ चुका हूँ। उससे ऊपर उठने की एक निरंतर कोशिश हो सकती है, जो जितना ईमानदारी से इसकी कोशिश करता है वही जाति व्यवस्था से उतना ही मुक्त माना जा सकता है। हम जब जाति को न मानने का ढोंग करते हैं लेकिन व्यवस्था के खिलाफ कोई ठोस काम नहीं करते, तब जाति का अनुप्रवेश इतना अधिक होता है कि राजनीति और विश्वविद्यालय जैसे सेकुलर कार्यक्रम में भी वह हावी हो जाता है। अगर हमारे विश्वविद्यालय में जाति व्यवस्था का जोर है तो समाज में पुनरुत्थान पर आश्चर्य प्रकट करना हमारी नादानी है। हमारी राजनीति में जातिवाद और जाति प्रथा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो। दलों के अंदर जाति भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पुनरुत्थानवादी कहना आसान हो गया है, लेकिन जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों नहीं कहा जा सकता? इनके चोटी के नेता जातिवाद को प्रोत्साहन देते हैं या नहीं? क्या जातिवादी एक पुनरुत्थानवादी मूल्य नहीं है? जो जातिवादी है वह सक्रिय रूप से संप्रदाय का आचरण न भी करते तो सांप्रदायिकता के ऊपर नहीं उठ सकते हैं। जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन न चलाने के फलस्वरूप देश के सारे राजनीतिक दल पुनरुत्थानवाद के और सांप्रदायिकता के सहायक हैं। किसी ने अभी तक मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है कि क्यों जम्मू के उत्तर में और गुवाहाटी के पूर्व में किसी भी अखिल भारतीय पार्टी का जीवंत संगठन नहीं बन पाया, कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई भी नहीं चल पाती है। क्या पूर्वी भारत में जहां बंगाल द्विज हिंदू नहीं होंगे वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय इकाई हो सकती है? हिंदू होकर द्विजों की या अपनी जाति की राजनीति करना, हिंदू समाज को बदलने की कोई नीति या कार्रवाई न चलाना, यह अखिल भारतीय राजनीति दलों की बेईमानी है जो अपने को सेकुलर कहते हैं। इनमें से किसी के पास धर्म व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सेकुलर शब्द का उल्टा अर्थ हो गया है सब धर्मों की रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करना। अपने फेसबुक वॉल पर इतनी लंबी पोस्ट लिखने के बाद शिवानंद तिवारी कमेंट में भी मुखातिब हुए। जब उनके मित्र और उनके दर्शक इस पोस्ट पर कमेंट करने आए तो उन्होंने साफ तौर पर ये लिख दिया कि लालू जी मेरे नेता नहीं हैं, राजद के नेता हैं। राजद मेरे लिए कट्टरवाद के विरुद्ध संघर्ष का एक प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी बिरादरी क्या है, लेकिन कौन किस मामले में क्या प्रतिक्रिया दे रहा है इससे हमारे यहाँ उसकी बिरादरी का अनुमान लगाना बहुत सहज है। क्यों? इसके साथ ही उन्होंने सवाल पूछा है और एक और कमेंट में उन्होंने लिखा है, वजूद से आपका तात्पर्य क्या है अभिषेक जी? एक बात तो स्पष्ट है, इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने व बाकी सभी दलों में जिस तरह से जातिवाद हावी है और हालिया राज्यसभा में जिस तरह से राजद ने एक वाइल्ड डिसीजन लेते हुए भूमिहार को राज्यसभा भेजा है, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ख़ास तौर पे जब वो ये कहते हैं कि लालू उनके नेता नहीं है बल्कि राजद के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को इंगित भी करते हैं। अब देखना ये होगा कि शिवानंद तिवारी, जो कि बिहार की राजनीति के सबसे पुराने चावलों में से एक हैं, वो अगर करवट लेने की स्थिति में हैं तो किधर जाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने राजनीति से अल्पकालिक संन्यास लिया था। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।